साल 2020 हरियाणा सरकार के लिए काफी जद्दोजहद भरा चल रहा है। आलम यह है कि अभी तक सरकार पुरानी समस्याओं को हल ढूंढने की कोशिश करती है कि इतने में उनके सामने एक और समस्या खड़ी हो जाती है। अंबाला में देर शाम आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर बीते कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के चलते जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वेतन नहीं मिलने से घरों के खर्च तक निकाल पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन देकर बाद में भूल जाते हैं। सर, पिछले 7 महीने से हमारे आंगनवाड़ी वर्कर का जो है ना, अंबाला अर्बन R2 और बराड़ा ब्लॉक का जो है ना, वो मानदेय नहीं दिया जा रहा, और 2 साल से इनका जो आंगनवाड़ी केंद्र किराए पे चल रहे हैं सर, वो किराया नहीं है, मानदेय नहीं है। तो उसके बाद जो किराया है सर, जो 2500-3000 रुपये ये आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी जेब से पे कर रही हैं, इनमें से 50% आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो विडो हैं, वो उन्हें बहुत ही ज्यादा वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर के खर्चे के लिए, बच्चों के खर्चे के लिए ये कभी दूध वाले से, कभी करियाना वाले से इनका सब उधार खाता चल रहा है। बहुत ज्यादा मजबूरी में जो है ना, आज हमें यहाँ पे धरना देना पड़ा। और पिछले 2018-19 और 20 का जो जनवरी फरवरी तक, यानी कि 2.5 साल से जो आंगनवाड़ी का ईंधन और जो रेसिपी के अनुसार जो हम आलू सब्जी वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, वो सारा खर्चा आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी जेब से पे किया हुआ है। एक वो भी हमारा पिछले 2.5 साल से पेंडिंग है। इन सब बातों को लेकर मजबूरी बस आज हमें यहाँ पे धरना देना पड़ा। आज से 3-4 महीने पहले भी हम यहाँ पे आई थी धरने पे, तब भी हमें इस तरह से आश्वासन देके भेज दिया गया था। आज क्या मिला? तो आज भी हमें ये कहा है कि भी हेड ऑफिस में जो है इन्होंने हमारी डिमांड भेजी है, तो अब वीरवार तक बजट आ जाएगा। वीरवार के बाद जो है ना, वो हमारे खातों में जो हमारा बकाया है वो अब मिल जाएगा हमें। वहीं धरना स्थल पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर बलजीत कौर ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का कई महीनों से वेतन अटका पड़ा है। इसके अलावा उनका खुद का भी वेतन पिछले कुछ महीनों से नहीं मिला है, जिसके चलते आज अधिकारियों द्वारा आगामी शुक्रवार तक वेतन दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। हमारे जिले में 7 खंड हैं और 7 खंड की आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है, ये स्टेट और सेंट्रल प्लान 2 हेड्स में आता है। तो इनमें से अधिकतर का जो सेंट्रल प्लान का है वो पेंडिंग है मानदेय, जिसके लिए हमने समय समय पर अपने मुख्यालय पे पत्राचार किया हुआ है। और इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को मैं मीटिंग्स में यही समझाती हूँ कि जैसे ही बजट आता है, और इनका बजट खंड स्तर के अधिकारियों के पास डायरेक्ट आता है, इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी के स्तर पर कोई भी इस तरह का बजट नहीं है जिसे अनावश्यक रूप से पेंडिंग रखा हो। और अभी आज भी मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की है और शीघ्र ही इसका बजट आ चुका है, वीरवार तक आ जाएगा खंड स्तर पर और अदायगी कर दी जाएगी। बहरहाल हरियाणा सरकार की परेशानियों का सबब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते एक के बाद एक समस्याएं सरकार के सामने आकर खड़ी हो रही हैं। इसी के चलते देर शाम अंबाला के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बीते कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के चलते धरना प्रदर्शन किया। अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।